अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक और रिव्यू, जो कि है एक मेकअप ब्रांड का, और ये है म्यूसिन, जो कि है मेड इन जर्मनी। इसका मैंने एक आर्टिकल जो है वो बाय किया था। इसके अलावा मैंने इनका कंसीलर और फाउंडेशन भी बाय किया है, लेकिन अभी मैं आपको इनकी 3-in-1 मेकअप किट जो है वो उसका रिव्यू दूंगी, जिसमें तीन चीज़ें आती हैं। जिस पहला है प्रेस्ड पाउडर, उसके बाद ये प्राइमर, और थर्डली उसमें आती है फाउंडेशन भी। ये आपके लिए एक परफेक्ट पैकेज होता है। इसमें आपको तीनों चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। मैं आपके साथ इनका थोड़ा सा रिव्यू भी शेयर करूँगी। सबसे पहले आप किसी भी अच्छे से फेस वॉश से अपना फेस वॉश करने के बाद उसको मॉइस्चराइज़ कीजिए, और उसके बाद ये प्राइमर उस पर अप्लाई कीजिए। इसका टेक्सचर आपको दिखाऊँगी। बहुत अच्छा प्राइमर है, बहुत अच्छे तरीके से ये पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। मेरे पोर्स जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा ओपन है, जिसके लिए मैंने आपको विंसी का भी टोनर रिकमेंड किया था, क्योंकि वो मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा अगर आपने फाउंडेशन अप्लाई करनी है और आपको लगता है कि आपके पोर्स की वजह से वो ठीक से बैठती नहीं है, तो उसके लिए ये प्राइमर बहुत ज़्यादा बेस्ट है। टैप टैप करके आप अच्छे से इसको अपनी स्किन पर अप्लाई कर लें। ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी ग्लोई सा इफ़ेक्ट ये आपको देता है आपकी स्किन को। आप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। स्पेशली जिन लोगों को नेवी बेस जो है वो फाउंडेशन जो है वो पसंद होती है ग्लोई सी, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये फाउंडेशन है उसकी, हमने जैसे आप देख रहे हैं कि हमेशा मैं ये काम करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो अप्लाई कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये आपने बहुत कम क्वांटिटी में लेनी है अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए। प्राइमर लगाने के बाद आप फाउंडेशन को अच्छे से टैप टैप करके अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए किसी भी स्पंज के साथ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप स्पंज जो है वो उसको थोड़ा सा वेट कर लें और स्क्वीज़ कर लें उसमें से सारा पानी जो है वो जितना भी उसने सोक किया होगा, और उसको फिर आप उसके साथ अपनी फाउंडेशन लगाएंगे, तो ये बहुत अच्छी फाउंडेशन जो है वो आपकी बैठेगी। क्योंकि मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूँ। इसको टैप टैप करके मैं जो है वो अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको लगा लिया था, लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से ये बैठी है। आप मेरे दोनों जो स्किन है, टोन है, आप आर्म वाली और उसके बाद हैंड वाली, इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। बहुत शाइनी सी, ग्लोई सी फाउंडेशन जो है ये बनती है, लेकिन मेरी तरह आपने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो नहीं लेनी, आपने कम क्वांटिटी में इसको अप्लाई करना है। उसके बाद इसका प्रेस्ड पाउडर जो है वो इस तरह का आता है। इसमें एक मिरर भी है ओपन करने के बाद, और स्पंज भी है इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इसके प्रेस पाउडर की पैकेजिंग जो है वो कुछ इस तरह से है कि मिरर है और उसके बाद नीचे स्पंज है। अब आप इसको भी स्पंज पे लेकर टैप टैप करेंगे हाथ पर, इससे ये होगा कि आपकी फाउंडेशन जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाती है। अगर आप इसी ब्रांड का जो है वो प्राइमर भी यूज़ करें और फाउंडेशन भी यूज़ करें और उसके बाद ये प्रेस्ड पाउडर भी, एक ही ब्रांड का, हमेशा यही
होता है ये कॉस्मेटिक ब्रांड में ज़्यादातर, कि आप अगर एक ही ब्रांड की सारी जो आर्टिकल्स हैं वो यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आपको जो है वो इफ़ेक्ट देगा। यहाँ पे मैं आपको दोनों स्किन टोन्स जो हैं वो उसमें उनमें डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो लाइट की वजह से आई थिंक ज़्यादा क्लियरली शो नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेरे हाथ में और जहाँ पर मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है और बाजू में, दोनों की स्किन टोन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नज़र आ रहा है। बहुत ग्लोई सी फाउंडेशन बनती है और आजकल यही पसंद की जाती है ज़्यादा, मैट फाउंडेशन जो है वो कम ही पसंद की जाती है। ये प्राइमर जो है इसके ऊपर भी इसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो लिखी हुई हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं। और ये फाउंडेशन की है सेंसिटिव स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी है और डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो है वो इसको टेस्ट किया हुआ है और एलर्जी टेस्टेड है, तो इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयली हो जाती है थोड़ी देर के बाद। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसको देखने के बाद आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।